सभी को नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे क्या है ये विषय, जाने कहां गए वो दिन, जाने कहां गए वो दिन, क्यों मैं इस विषय को लेकर आई हूं। आजकल के हालातों को देखते हुए याद आ रहा है सब कुछ, किस तरह से हमारी दिनचर्या बदल गई, कैसे जो विचार हमारे सपनों में भी नहीं थे उन सबको हमें देखना पड़ा, उन सबको हमने सहना पड़ा। का वो महीना जब आवाज आने लगी कि विदेशों में स्पेशली चाइना में कोई बीमारी का उदय हुआ है जिसका नाम है कोरोना, इसके साथ साथ बहुत सारे नए नए शब्द हमें सुनने को मिले, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, पेंडेमिक, और धीरे धीरे इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। फरवरी का महीना खत्म हुआ, मार्च आया, इंडिया में भी इसका प्रभाव काफी दिखाई देने लगा। 22 मार्च का वो दिन 2020 में जब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, खाली हो गए मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेन्स, एयरलाइंस, ट्रैफिक, सब सर्विसेज बंद, केवल चलती रही दो सेवाएं, हॉस्पिटल्स एंड पुलिस। खाली हो गए स्कूल, स्कूल का प्रांगण, स्कूल के स्टेज, स्कूल के प्लेग्राउंड्स जहां बच्चे चहचहाते रहते थे, ये स्टेडियम्स सब खाली हो गए। इन्हें देखकर मुझे याद आता है, रह रह के याद आता है मेरा नाम जोकर फिल्म का वो गाना, जाने कहां गए वो दिन, जाने कहां गए वो दिन, कहां गए वो दिन, कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन दिनों की जब पूरे प्रांगण विद्यालय के बच्चों से भरे होते थे, स्टेज पर प्रोग्राम्स होते थे, प्रार्थना होती थी, बच्चों के अपने अपने विचार होते थे, विचार देने के प्रस्तुतियां हुआ करती थी, बच्चे स्टेज पर अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए तत्पर रहते थे, म्यूजिक का प्रोग्राम हो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, असेंबली, प्रेयर ग्राउंड्स जहां ये बच्चे कतार लगाए हुए प्रेयर के लिए तैयार हैं और अपने विद्यालय को सुशोभित कर रहे हैं। प्लेज लेते हुए ये बड़े छोटे बच्चे, कसमें वादे करते ये छोटे बच्चे अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए ये। योगा दिवस पर योगा करते हुए बच्चे, अलग अलग योगा की एक्टिविटीज को संभालते हुए बच्चे, दिखाते हुए बच्चे, कहाँ है ये। क्लासरूम्स जो बच्चों से भरे रहते थे, बच्चे पढ़ाई में मस्त रहते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, टीचर से बातें करते थे, वार्तालाप करते थे, समझते थे, सीखते थे, ये भी कहाँ है। बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाते हुए टीचर्स, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हुए टीचर्स, बच्चों से भरी हुई ये लाइब्रेरी, ये लैब्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब हो या हो कंप्यूटर लैब, कितने उत्साह के साथ, कितनी तन्मयता से ये कंप्यूटर पर सीखते हुए बच्चे अपने अपने अध्यापकों के साथ संलग्न शिक्षा में तल्लीन, ये बच्चे कहाँ हैं। काउंसलिंग सेशन, बच्चों को समझाते हुए, बच्चों को गाइडेंस देते हुए टीचर्स, बच्चे उनकी बातें सुनते हुए, उनसे अपने जो भी उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। स्वच्छता महोत्सव, स्वच्छता को त्योहार की तरह मनाते हुए ये बच्चे, नेचर को बढ़ाने के लिए, नर्चर करने के लिए वृक्षारोपण करते हुए छोटे छोटे बच्चे,
उसी नेचर का अध्ययन करते हुए ये बच्चे साइंस एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाते हुए छोटे छोटे साइंटिस्ट, ये होनहार बच्चे कहाँ हैं? ये प्लेग्राउंड्स जो बच्चों से भरे रहते थे, बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे, जिनमें बच्चों को ना गिरने का डर ना घायल होने का डर, लेकिन मस्त हैं अपनी मस्ती में, कहाँ हैं ये? कॉन्फ्रेंस हॉल्स में अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए ये बच्चे, उनके सवालों का जवाब देते हुए टीचर्स, स्टेज प्रोग्राम्स हो, क्विज कंपटीशन हो, या फिर बाल दिवस मनाते हुए ये सजे तजे बच्चे, छोटे छोटे होनहार जो अपने अपने कलाकारी को, अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए ये बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बच्चे विजयी होने पर उल्लास मनाते हुए ये बच्चे स्टेडियम में खेलों के बाद, जीतने के बाद अपनी टीम के साथ उत्साह मनाते हुए ये बच्चे साइकिल से भरे हुए स्टैंड्स कहाँ हैं? कहाँ गए वो दिन जब सब कुछ अच्छा है? लेकिन क्या है अब? क्या है अब? ये प्रांगण भी खाली है, ये स्टेज भी खाली है, ये स्टेज पे होने वाले प्रोग्राम्स भी यहाँ नहीं हो रहे। इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का कि वो आए और इसको सुशोभित करें। लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब हो या साइंस लैब्स हो, सब सुने हैं। ये प्लेग्राउंड्स जहाँ बच्चे कूदते रहते थे, सब ये वीराना है यहाँ पर, कहाँ है वो छोटे छोटे होनहार? ये स्टेडियम्स जहाँ इतने खेल कूद हुआ करते थे, प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, बच्चे कूदते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे, ये भी आज वीराने पड़े हुए हैं। ये क्लासरूम्स जो बच्चों से भरे रहते थे, बच्चों के सवाल जवाबों से गूंजते रहते थे, खाली पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। जहाँ क्लासेस बच्चों से भरी रहती थी, वहाँ एकांत में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हुए टीचर्स। अटेंडेंस ऐसे लगता है जैसे खिड़कियों से झांक रहे हैं ये बच्चे कि हम भी प्रेजेंट हैं, हम भी उपस्थित हैं। और उनकी ये ऑनलाइन अटेंडेंस, सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन भी उठे, समय समय पर सब चीज नॉर्मल होती भी गई, लेकिन बदलती रही बार बार इस महामारी के नए नए रूप और उनकी कठिनाई, उससे होने वाली समस्याएं बदलती गई, बढ़ती गई। जब भी लॉकडाउन उठे, सब कुछ खुलने लगा, खुल गए ट्रैफिक्स, यातायात, ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, सब कुछ कभी कभी सामान्य हो जाता था। फिर उसके बाद लॉकडाउन फिर से खुलना, सभी सेवाएं चलनी शुरू हुई। लेकिन स्कूल के प्रांगण, स्कूल के साइकिल स्टैंड आज भी खाली है, नहीं लौटे स्कूलों में बच्चे। इंतजार कर रहे हैं ये क्लासरूम्स, ये कक्षाएं, बच्चे आए और इन बेंचेस पर बैठे, सजे धजे ये फर्नीचर्स बिना बच्चों के बहुत ही उदास हैं, बहुत ही गमगीन हैं कि बच्चे आए और उनको सुशोभित करें। ये प्लेग्राउंड्स जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, बच्चों की उछल कूद होती थी, बच्चों के खेल कूद होते थे, ये भी इंतजार कर रहे हैं अपने छोटे छोटे होनहार बच्चों का कि वो आए और इनको शोभायमान करें। लेकिन क्या करें? आए भी तो बच्चे कैसे, उनको बुलाया भी तो जाए कैसे? इस महामारी का रूप, इसकी भयानकता, ना तो सरकार खतरा लेने का
कोशिश कर पा रही है, ना ही स्कूल्स ना ही अध्यापक अपने बच्चों को खतरे में डालने की हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा हमारी सबसे प्राथमिक हमारी प्राथमिकता है और हम केवल इंतजार कर सकते हैं कि वो दिन आए वापस लौटें कि हमारे पूरे विद्यालय फिर से बच्चों से भरे हों, सारी कार्यकलाप नॉर्मल वे में चले। जाने कहाँ गए वो दिन, कब आएंगे वो दिन, कब लौटेंगे वो दिन जब हमारे स्कूल बच्चों से भरे होंगे और हमारी सबकी जिंदगी सबकी जो लाइफ है वो नॉर्मल होगी। हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये महामारी जल्दी से जल्दी पूरे विश्व से जाए और लौटे सामान्य जिंदगी, सामान्य जिंदगी स्कूलों की और सामान्य जिंदगी पूरी व्यवस्था की। धन्यवाद।